तो चलिए खबरों आगे बढ़ेंगे। किसी भी माँ बाप के लिए अपने बच्चों को खुद से दूर करना एक मुश्किल भरा पल होता है। वहीं राजधानी शिमला से एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया, जहां बीमारी के चलते एक पिता को अपनी ही बेटियों को खुद से दूर करना पड़ा है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में आप देखें। ये तस्वीरें आपको झंझोड़ कर रख देंगी। जब एक पिता मोतीलाल ने अपनी बीमारी के चलते अपनी बेटियों को आश्रम में भेज दिया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मदद से दोनों बेटियां अब आश्रम में रहकर पढ़ाई करेंगी। मोतीलाल को पैरालिसिस का अटैक आने के बाद उनका रोजगार चला गया। अब वे अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हो गए हैं। मेरा नाम मोतीराम है और मेरे को ना पिछले 2 साल से पैरालाइज हुआ है, ठीक है जी। और मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसके कारण मेरे को मतलब इनको पालन पोषण में काफी कठिनाई हो रही है। और मेरी वाइफ की भी डेथ हो गई, मतलब डेथ होकर कम साल होने वाले है उसको भी, तो इसलिए मैं इनको बच्चों को उधर भेज रहा हूँ आश्रम भेज। शिमला के झंझड़ी इलाके के रहने वाले मोतीलाल ने अपनी बेटियों को आश्रम भेजने का मन बनाया है। मोतीलाल जब शरीर से स्वस्थ थे तब उनका परिवार का गुजर बसर अच्छे से हो रहा था, लेकिन पैरालिसिस के चलते अब मोतीलाल को अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए सहारे की जरूरत है। तो सहारा बनकर आई चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मदद, जिसके सहारे मोतीलाल बेटियों को आश्रम भेज रहे हैं, जिससे कि बेटियों का भविष्य उज्जवल हो सके। तो जैसे यहाँ पे 4 बच्चे हैं, अलग अलग इनके एज ग्रुप है, तो उसमें लड़कियों को जो 14 साल से छोटी लड़कियाँ, इनको हम दुर्गापुर भेजने वाले हैं। एक बच्ची इससे उपरोक्त आयु की है तो वो टूटीकंडी जाएगी, और एक बच्चा अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि 6 साल कंप्लीट कर चुका है। अगर 6 साल नहीं कंप्लीट किए हैं तो ये शिशु गृह में रहेगा 6 साल पूर्ण होने तक। उसके बाद हमारे रॉकवुड स्थित जो है बच्चों का, मतलब बालकों का एक जो हमारा CCI है, तो वहाँ इसको भेजेंगे। बच्चों को आश्रम भेजने का ये कोई नया मामला नहीं है। देश में कहीं ना कहीं इस तरीके की भावुक तस्वीरें सामने आती रहती है। जरूरत है तो समाज और सिस्टम को आगे आने की, जिससे माता पिता को गरीबी के चलते अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए खुद से दूर ना करना पड़े। शिमला से विकास शर्मा की रिपोर्ट।